वोट लेने होते हैं तभी आ जाते हैं हाथ जोड़ने। अच्छा जी, वोट दो, उसके बाद तो उसकी नजर ही नहीं आता कोई सा भी, कोई नजर नहीं। बहुत सारे लेडीज इकट्ठी होकर उनके ऑफिस में जाती हैं। हाँ जी, रिपोर्ट लिख लेती हैं ये जी। हाँ जी, कोई एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम तो यही देख रहे हैं कितने सालों से यही दिक्कत चलती आ रही है। ये आप खुद ही देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये आप खुद देख लीजिए, दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली में सड़कें ऐसी है, संगम भी आ रहा है। ईडी में यहाँ पे भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, काम किसी ने काम नहीं किसी ने नहीं किया है। कोई भी आ जाए कोई काम नहीं था गली में, न तो कोई सुविधा है पानी निकलने की, न कुछ भी। चुनाव बारे जब हाथ जोड़ के आते हैं फिर बाद में मुँह नहीं दिखाते यहाँ पे आके। अच्छा, कोई भी नहीं आता है? कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता यहाँ पे आके। तो विधायक जो है यहाँ की, उन्होंने काम किया है कुछ? करा था, करके नहीं फिर खोद के डाल दिया, कोई मतलब नहीं है अब। अच्छा, कोई मतलब नहीं? हाँ, अब बिल्कुल नहीं, झांकने भी नहीं आते, देखने भी। ने कुछ काम किया है जो यहाँ के विधायक दिने? वो तो कभी आता ही नहीं है। अच्छा, कभी नहीं आते? कभी नहीं आता वो। अच्छा, कभी आपने देखा उनको? ना, कभी नहीं देख आता वो। अच्छा, 10 साल में कभी नहीं देखा? ज्यादा एक आध दफा देख लिया हो तो देख लिया, वो नहीं, कभी आता ही नहीं। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं NCR समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, आप NCR समाचार देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। इस समय हम लोग मौजूद है संगम विहार गली नंबर 1 में। बात कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव अगले साल है, उससे पहले क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, यहां के जो विधायक दिनेश मोहनिया है उन्होंने कितना विकास किया है, लोग उन पे कितना भरोसा करें, क्योंकि 10 साल से विधायक है लेकिन उसके बाद जो स्थिति है वो बद से बदतर है। आप तस्वीर देखिए सबसे पहले, किस तरह से नालियों की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, कोई भी विकास नहीं हुआ है, सड़कें ऐसे ही टूटी हुई है। और ये सड़कें सिर्फ संगम बिहार की नहीं, संगम बिहार के दूसरे क्षेत्र में भी आप जाएंगे तो वहां भी स्थिति ऐसे ही देखने को मिलेगी। पानी और बिजली मूलभूत समस्याएं अभी बनी हुई है, किसी के घर पानी आ रही है तो किसी के घर नहीं आ रही है, बिजली की भी वही स्थिति है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जनता किस भरोसे उनको फिर अगले साल जब चुनाव होगा तो वोट करेगी। इस पर बात करेंगे यहां की महिलाओं से कि उनका क्या कहना है विधायक के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में। 32 साल तो मेरे को हो गए यहाँ पर रहते हुए, 32 साल से मैंने आज तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं देखी। एक बार इम्प्रूवमेंट हुई थी, रोड बना था। अच्छा। बहुत दिवाली मनाई गई, लाइट भी काफ़ी टाइम बाद आई। हाँ। बहुत टाइम बाद चलो लाइट आ गई, सो हैप्पी, बट गलियों का निर्माण नहीं हो पाया। ये सीवर डले हैं, नाम की सीवर डाल दिए हैं, उसके बाद हमारा यहाँ कोई नहीं सुधा। आप भी आइए तो उसके गलियों के बारिशों के बारे में बता रहे हैं ना, इनको बताना है कि कल ही मेरा बेटा और वहाँ से डूबता हुआ आया, पानी वानी सब उसके बैग वैग उसके सब गिले हो गए। आप जाकर देखिए अब तक सूख रहे हैं, ड्रेस व्रेस सब वहाँ से, इतना पानी यहाँ तक टांगों से ऊपर तक पानी होता है हमारे यहाँ मेन रोड पे। ये कितने सालों से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। तो कोई विधायक जो है आम आदमी पार्टी से वो कुछ काम कर रहे हैं? जब वोट लेने होते हैं तभी आ जाते हैं हाथ जोड़ने। अच्छा जी, वोट दो, उसके बाद तो उसकी नजर ही नहीं आता कोई सा भी। अच्छा, कोई नजर नहीं। बहुत सारे लेडीज इकट्ठी होकर उनके ऑफिस में जाती हैं। हाँ जी, रिपोर्ट लिख लेती हैं ये जी। हाँ जी, कोई एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम तो यही देख रहे हैं कितने सालों से यही दिक्कत चलती आ रही है। ये आप खुद ही देख लीजिए, ये देख लीजिए आप, ये आप खुद देख लीजिए, दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली में सड़कें ऐसी है, संगम भी आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो यहाँ पे बस बहुत सड़क की तो बहुत दिक्कत है। देखो अब मेन रोड भी सारी, वहाँ मेन रोड पे जरा से बारिश जब आती है ना पानी खूब भर जाता है आने जाने में। कल मेरी बिटिया कॉलेज में जाना था, रेडी रह गया उसकी, कल उसकी डेमो क्लास थी, नहीं दे पाई, बैठ गए हम। तो कब से कोई बना, कभी बना ही नहीं है क्या ये सड़कें? कभी बनी थी काफी कुछ साल पहले बनी थी, उसके बाद फिर ये सीवर का अरेंजमेंट कर सीवर डालेंगे फिर से मैंने दोबारा खोद दी सारी सड़कें। चुनाव हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, कोई साधन तो है नहीं है यहाँ पे। रिश्तेदार आते हैं तो वो भी धक्का खा के चले जाते हैं वापस लौट के। हाँ। घर पे आते ही नहीं है। अच्छा, तो क्यों नहीं आते हैं? क्या ये गली देखनी है? नहीं आते, या पानी भरा रहता है या गली में, न तो कोई सुविधा है पानी निकलने की। हाँ। न कुछ भी। चुनाव बारे जब हाथ जोड़ के आते हैं फिर बाद में मुँह नहीं दिखाते यहाँ पे आके। अच्छा, कोई भी नहीं आता है? कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता यहाँ पे आके। अच्छा, तो विधायक जो है यहाँ की, उन्होंने काम किया है कुछ? करा था, करके नहीं फिर खोद के डाल दिया, कोई मतलब नहीं है अब। अच्छा, कोई मतलब नहीं? हाँ, अब बिल्कुल नहीं, झांकने भी नहीं आते, देखने भी नहीं आते। तो अगले साल चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? क्या पता अब किसके आएंगे। अच्छा, झाड़ू आएगी? पता नहीं, झाड़ू आएगा, कमल खिलेगा, क्या होगा पता नहीं, ये तो पब्लिक के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा, तो पब्लिक का क्या लग रहा है कि ऐसे काम कमल खिलेगा? अच्छा, दिनेश मोहनिया जी विधायक है, नाम सुना आपने? हाँ, दिनेश मोहनिया जी आए हैं, करवाए उन्होंने, सब कुछ करा था,
करके फिर छोड़ दिया, फिर नाले खुदवा दिए, सीवर बनवा के छोड़ दिए ऐसे कैसे। अच्छा, ऐसे की रह रही है यहाँ गली में। अच्छा, कोई काम नहीं हुआ, कुआ नहीं हुआ था। बीजेपी सरकार में भी नहीं होता था, आम आदमी। बीजेपी सरकार तो दिल्ली में अभी 10 साल से रही नहीं है, तो पहले तो कांग्रेस थी ना, और 10 साल से तो आम आदमी पार्टी ही है, तो यहाँ से तो बीजेपी जीतती रही है हमेशा। अच्छा, यहाँ से तो बीजेपी ही जीतती रही है हमेशा। उस समय भी काम नहीं हुआ है, 15 साल बीजेपी को दिए हैं, लेकिन एमसीडी में यहाँ पे भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, काम किसी ने काम नहीं, किसी ने नहीं किया है। कोई भी आ जाए कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं। इन लोगों ने तो और लुटिया डुबो दी, ये जो नई सरकार बनी है इनकी, इन लोगों ने तो और लुटिया डुबो दी। इसमें है क्या, सारे रोड टूटे पड़े। बात है कि आम आदमी पार्टी ने काम किया है कि नहीं, सवाल ये। हमें तो नहीं लगता काम किया। अच्छा, कोई काम नहीं, हमें तो कुछ नहीं लगता। अच्छा, तो कुछ नहीं लगता। सारी नाली भरी पड़ी है, सारी नाली भरी पड़ी है। सड़क बनी हुई थी वो तोड़ दी है, सीवर लाइन जाम पड़ी है, सारा कुछ पानी है, पानी नहीं आता है। यहाँ पानी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, संगम बिहार में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पानी की है। सबसे ज्यादा, हाँ, एक बोर के ऊपर आधारित लोग बाग हैं। सोनिया बिहार का पानी कहाँ आता, किसी का आ गया, किसी का नहीं आता। अच्छा, कोई विकास मतलब कहीं कुछ, हमें तो कहीं नहीं लगता भी। कभी चुनाव है और सड़कों की स्थिति खराब है, क्या विकास हुआ है आप लोग के क्षेत्र में? गंदगी बहुत है। अच्छा, विकास तो हुआ था, रोज खोजेगा सड़क, रोज वो होंगी तो फिर क्या विकास है? अच्छा, कुछ विकास, कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, तो काम तो हुआ है पर इतना नहीं हुआ कि सुविधा हो। कूड़ा पड़ा है सड़कों पे, बहर बहर के जा रहा है, वो कर रहा है, उठाने वाले नहीं है, क्या करोगे फिर उसको? तो विधायक जी ने कुछ काम किया है जो यहां के विधायक जी ने? वो तो कभी आता ही नहीं है। अच्छा, कभी नहीं आते? कभी नहीं आता वो। अच्छा, कभी आपने देखा उनको? ना, कभी नहीं देखता आता वो। अच्छा, 10 साल में कभी नहीं देखा? ज्यादा एक आध दफा देख लिया हो तो देख लिया हो, वो नहीं, कभी आता ही नहीं है वो। तो किस भरोसे? आज तक मीटिंग नहीं करता, कभी करता रहा, तो कभी देखा ही नहीं। तो किस भरोसे वोट दे दिया आप लोगों ने? हमने काहे को देंगे? अच्छा, दिनेश मोनिया जी को वोट नहीं दिया? बिल्कुल ना देंगे। अच्छा, सब क्यों? अरे जब सुनेगा नहीं, गंदगी इतनी गलियों में रहती है, कीचड़ इतनी गलियों में, वो है पूरा भयंकर स्वभाव नहीं है, क्या दुख रहा है? पिछली वाली गली देखो, जा जाके चेक करो, अगली वाली देखो क्या है, भाई भाई पानी भरा पड़ा, मच्छर खाते हैं रात को। तो क्या लग रहा है, अगले साल चुनाव भी होना है? अगले बार चुनाव होना है, वो थोड़ी आना है, वो नहीं आएंगे। बीजेपी केजरीवाल जी ने कैसा काम किया? नहीं, केजरीवाल बढ़िया आदमी है, बढ़िया सही काम किया। सोनिया जी तो उनके ही पार्टी के हैं। अरे पार्टी आदमी है, पार्टी तो सबरी पूरी दिल्ली में सबरी वो है, तो ये थोड़ी है भाई, पार्टी है तो कम से कम विकास तो करेगा अपने अपने एरिया का। कोई विकास ही नहीं हुआ? क्या विकास हुआ है? कौन विकास कर रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हाँ, कि विकास किया दिनेश मोनिया जी ने आम आदमी पार्टी? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं किया। क्या किया है? वो नाली देखो, वो आया ना, हाँ हाँ देखिए, हाँ ये देखो, हाँ देखो, अच्छा है तुम्हारे सामने, बस यही देखो, नाली टूटी पड़ी, ऐसे ही पड़ी, बड़ी बड़ी हर गलियों में। अच्छा, हाँ जी जी जी, सामने तो है। हाँ बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है, अगले साल चुनाव भी होना है? तो होगा तो फिर देखा जाएगा। अच्छा, देखा जाएगा, अभी कुछ भी काम नहीं हुआ? अभी तो देख लिया। विधायक जी कभी आते हैं? कभी आए हैं इधर? नहीं आए इधर। हैं? कभी नहीं, कभी नहीं आए? नहीं। ठीक है सर, जिस तरह से लोगों का साफ कहना है कि जो यहाँ के विधायक है दिनेश मोहनिया है, जो वो कभी आते भी नहीं है क्षेत्र में देखने की किस तरह से स्थिति बदतर बनी हुई है, विकास नहीं हुआ है, सड़कें ऐसी टूटी हैं, नालियां ऐसी हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब अगले साल विधानसभा चुनाव होगा तो किस भरोसे और किस मुंह से वो वोट मांगने जनता से आएंगे। आप NCR समाचार को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।